राजगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराम दंडोतिया एवं एसडी ओपी सारंगपुर जोइस दास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक हापम सिंह पवार द्वारा की गई एनटीपीसी एक्ट की बड़ी कार्यवाही। 17 सितंबर को रात करीब 8 बजे थाना के पुलिस उप निरीक्षक अंकुर चौबे को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनकर यात्री प्रतीक्षालय एबी रोड गोपालपुर बाईपास हाईवे के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा लिए खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस उप निरीक्षक अंकुर चौबे द्वारा हमराज स्टाफ के उक्त स्थान पर जाकर देखा तो मुखबिर द्वारा बताए पुलिये का एक व्यक्ति बैठा था जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा जी और एडिशनल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दंडोतिया साहब एसडीओपी महोदय सुश्री जोइस दास मैडम इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की थी हमने और ये लगातार मादक पदार्थों में यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि मादक पदार्थ का सेवन किया जा रहा बेचा जा रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक कल को मतलब कल 17/9/2020 को मुखबिर की सूचना पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एबी रोड पुल के पास में गांजा लिए किसी को बेचने बैठा है खड़ा है। उसी हुलिये के तारतम्य पे यहाँ पे टीम गठित की जिसमें उप निरीक्षक चौबे उनके साथ नवीन और भी आरक्षक थे हम थे जाकर मुखबिर के द्वारा बताया गया उसी हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा। उसका नाम पूछा तो अपना उसने अपना नाम बाबूदास बैरागी बताया 63 साल का जो सलसलई के पास चौकी है वहाँ का रहने वाला चौकी के सामने जिसकी तलाशी ली तो उससे 850 ग्राम गांजा मिला। विधिवत उसकी वही मौके पे कार्रवाई की गई और ये बेलेवल होने से उसको जमानत पर रिहा किया गया। इसकी कीमत होती है 8,500 रुपये।